हाय फ्रेंड, माय नेम रमेश राज, वनीस्टॉप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। जेएसडब्ल्यू राज मशीन और ये 4-in-1 सेट आता है, और इसमें ये 30 लीटर का कंप्रेसर है, और ये बबल रिमूवर है, ये देखो बबल रिमूवर है, और ये पंचिंग मशीन है। इसमें एज और नॉर्मल दोनों सपोर्टिंग करता है। एज के लिए ये मोल्ड दिया हुआ है और नॉर्मल के लिए ये मोल्ड है ये वाला, और ये इधर से बंद होता है। और इसमें 6 लीटर का वैक्यूम है, 6 लीटर का। ये बबल रिमूवर, इसमें से केबल निकलेगा, दो केबल, ये दो केबल है पावर केबल। और अभी हम आपको बता देते हैं पावर केबल कैसे लगाना है बबल रिमूवर और पंचिंग में। ये दो पावर केबल दिया है, अभी पहले पंचिंग में पावर केबल लगा देते हैं, किधर लगाना है। ये देखो लिखा है करंट मैक्सिमम, ये इधर लगा रहने का है पावर केबल का, ये इधर लगा दिया और इसको ऑन कर दिया, और इधर से डायरेक्ट देना है आप 3। ये पंचिंग मशीन के लगाने के बाद इधर दे दिया बोल्ट में डायरेक्ट इसका केबल, और अभी दे देते बबल रिमूवर 3। और ये अभी बबल रिमूवर का पावर केबल है, बबल रिमूवर का पावर केबल इधर लगेगा, ये इसे मैं दिया हुआ, इधर लगा दिया बबल रिमूवर का पावर केबल, और इधर से डायरेक्ट देना है मदर बोल्ट में 3। ये मदर बोल्ट में दे दिया इसका पावर केबल, ये मदर बोल्ट में लगा दिया है डायरेक्ट 3। ये कंप्रेसर का केबल है, ये भी डायरेक्ट मदरबोर्ड में देना है, ये इधर मदरबोर्ड है इसमें दे दिया। ये 3 केबल मदरबोर्ड में लगेगा, पंचिंग का, बबल का और कंप्रेसर का। अभी वैक्यूम का केबल किधर लगाना है वो हम दिखा देते क्या। अभी आपको खास बात ध्यान रखना है कि ये वैक्यूम है, वैक्यूम का पावर केबल किधर देना है। वैक्यूम का पावर केबल पंचिंग के मशीन के अंदर ही देना है इसका डायरेक्ट। ये पंचिंग मशीन है, इसमें ये लिखा हुआ है वैक्यूम पावर केबल, तो वैक्यूम पावर केबल लिखा हुआ, इधर वैक्यूम का पावर केबल लगा देते, ये लगा दिया वैक्यूम का पावर केबल 3। अभी हम दिखा देते आपको इसका पाइप फिटिंग कैसे करते हैं, पाइप कैसे लगाना है वो हम आपको दिखा देते 3। ये पाइप है, ये बड़ा वाला पाइप रहेगा, इसमें से दो करना है, काट के दो करना है, बाद में एक पाइप इधर लग जाएगा और एक पाइप इधर सामने लग जाता है। ये टी है, ये 3 पाइप लगाने वाली टी है, ये लगा दिया, और इसमें से एक बड़ा पाइप निकलेगा, वो बड़ा रखना है, उसको काटना है नहीं, उसको बड़ा रखते हैं, उसको ये आगे लगा देते इधर, ठीक है। ये टी दिया है, और इसमें ये एक टी एक्स्ट्रा है, ये वाला एक एक्स्ट्रा रहेगा, बाई चांस कभी ख़राब हुआ तो इसको यूज कर सकते हो आप, ये एक्स्ट्रा रहेगा। और अभी इसका पाइप का सेटअप कर दिया है, अभी पाइप मशीन में किधर किधर लगाना हम दिखा देते। ये उसमें से एक पाइप लगेगा बबल रिमूवर, बबल रिमूवर का ये एयर कंट्रोल दिया ना, इसमें पाइप लगेगा, ऐसा लगाना है आपको। कभी भी पाइप खोलना है तो इसको पहले पुश करना है, ये वाला लॉक है ना, इसको पुश करके ऐसा खोलना है, ठीक है। डायरेक्ट खोलना है नहीं, डायरेक्ट खोलोगे तो इधर से टूट जाएगा, इसको पुश करके खोलना है। उसमें से दूसरा पाइप लगाना है अपने को पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन में इधर लगाना है, इधर इसका भी सेम है, पुश करके खोलना है डायरेक्ट। ये लग गया अभी पाइप, और इसमें से 3, ये दो पाइप लगा दिया है पंचिंग में और बबल में, और ये बीच में टी लग गया है, और इसका एक बड़ा वाला पाइप है वो डायरेक्ट अपन लगा देते हैं कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर का दिया है, ये इधर लगा देते हैं कंप्रेसर में, ओके। इसका भी पुश करके खोलना है तो आप खोल सकते हैं ऐसे, और ऐसे लगा देने का, ठीक है। इसका अभी पाइप का पूरा फिटिंग हो गया है, और अभी हम दिखा देते। और ये वैक्यूम का बड़ा पाइप है, उसको ये वैक्यूम के अंदर ऐसा लगाना है इधर, और ये पंचिंग मशीन में लगेगा, वैक्यूम का पाइप पंचिंग मशीन में लगेगा, इधर लगा दिया। और अभी हम आपको दिखा देते हैं ऑयल किधर से इसको डालना है। ये रेड कलर का बटन दिया है ना, इसको खोलना है और इधर से ऑयल इसमें डालना है, ओके 3। अभी हम पंचिंग का सब सेटअप बता देते हैं, इसमें कितना सेटअप रखना है, वैक्यूम कितना है और पंचिंग कितना है। इसको स्टार्ट कर देते हैं, अभी स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही अच्छा लुक है इसका, और इसमें सब बटन अलग अलग दिया हुआ है। आपको एज बनाना है तो ओ सी लिखा हुआ है, इसमें ये वाला बटन दबानेगा, और नॉर्मल वाला बनाना है तो ये एल सी डी लिखा हुआ है, इसके ऊपर बटन दबानेगा ये वाला। और आपको इमरजेंसी स्टॉप करना है कभी भी, तो ये इमरजेंसी का दिया हुआ है बटन इसको, और ये प्रेशर का है एल सी डी के लिए और ओ सी के लिए, दोनों प्रेशर कम ज़्यादा आप कर सकते हो, दोनों में से करना है तो अप डाउन। और अभी हम आपको बता देते हैं कि इसका टाइमिंग कितना रखना है। वैक्यूम का टाइम है 30 सेकेंड, वैक्यूम का टाइम है। अभी एल सी डी का ये पंचिंग का बता देते हैं हम, पंचिंग का 35 सेकेंड रखा है, अभी पूरा सेटिंग बता देते हैं इसका, इधर से ऑन कर दिया। ये देखो अभी वैक्यूम का 30 सेकेंड है, और पंचिंग का लेमिनेटिंग का है 35 सेकेंड, ठीक है।
और टेम्परेचर 46 पे रखा है टेम्परेचर इसका, और ये एलसीडी ओसी दोनों अलग अलग दिया हुआ है, इसको अभी बाहर गए। अभी हम बता देते हैं बबल रिमूवर का, तीन और इधर से अभी ऑन कर देते हैं, ये बबल रिमूवर का सेटिंग है सर। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर के लिए दिया है आपको हीटिंग कितना रखना है सर। इधर से स्टार्ट कर दिया, और इसका जो भी आपको रखना है ऐसे रख सकते हो। 45 है इसका हीटिंग रखा है, और अभी ये स्टार्ट का है, स्टार्ट का। अभी हम कंप्रेसर का वाल ऑन कर देते, ये कंप्रेसर है इसका वाल ऑन कर दिया इधर। और वाल ऑन करने के बाद डायरेक्ट इसमें बताएगा आपको प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर बताएगा ये ओसी का और ये एलसीडी का, दोनों का प्रेशर बता। ये बबल रिमूवर का आपको बता दिया है, अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं बबल रिमूवर को। ये स्टार्ट कर दिया, और इसका ऑटोमेटिक ये जितना प्रेशर चाहिए इसको ये दे देगा। और ये कंप्रेसर फुल ऑटोमेटिक है, ये ऑन ही रखना है, इसको जितना एयर चाहिए इतना चालू हो जाएगा, बाहर बंद हो जाएगा, जो भी इसको चाहिए इतना एयर देगा। इसका 5 मिनट सेटिंग रखा है, 5 मिनट सेटिंग है बबल रिमूवर का। अभी इसको इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो ये डायरेक्ट इमरजेंसी स्टॉप कर देते हैं इधर से, और ये इमरजेंसी स्टॉप कर दिया है अभी, और इधर से अभी खुल जाएगा। ये अभी खुल गया है, देख लो ये बबल रिमूवर है, इतना बड़ा है ये बबल रिमूवर। और इधर से ये लॉक कर देते वापस, ये घुमाने वाला है पूरा, ऐसे घूमेगा तो लॉक हो जाएगा इसको। और अभी हम आपको बता देते हैं पंचिंग का, और ये पंचिंग मशीन है। अभी पंचिंग मशीन स्टार्ट कर देते, पहले इसको एलसीडी कर देते, नॉर्मल एलसीडी। और इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो आप ये डिस्प्ले से, और ये बटन दिया इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी इधर से स्टार्ट कर देते हैं, ये स्टार्ट कर दिया। अभी वैक्यूम ले रहा है, वैक्यूम 30 सेकंड वैक्यूम लेगा, और 35 सेकंड इसका लेमिनेटिंग है, और 46 इसका टेम्परेचर है। अभी प्लेट नीचे आएगा, 30 सेकंड में वैक्यूम लेने के बाद ऑटोमेटिक प्लेट नीचे आएगा, 35 सेकंड में प्लेट नीचे रहेगा पंचिंग के लिए इसका। ये प्लेट नीचे आ गया अभी, ये 35 सेकंड हो गए, तो प्लेट नहीं ऊपर जाएगा। अभी ये प्लेट ऊपर गया है, और आप एलसीडी नॉर्मल एलसीडी रखो ने, तभी आपको कौन सा प्लेट रखना है वो भी हम दिखा देते हैं। ये अभी खुल गया है, ये वाला रखने का, ये प्लेट है, ये नॉर्मल एलसीडी के लिए। और बाद में आपको एज बनाना है, एज बनाना है तो उसके लिए आपको ये प्लेट है एज के लिए, उसको रखना है। ऐसा ऐसा रख दिया, और इधर से ये बंद कर दिया। बाद में ये ओसी दिया हुआ ना, ओसी इसके लिए एज रहेगा, जो कर्व ग्लास वाले रहेगा ना उसको बनाना है, तो ये ओसी के अंदर बनेगा, ये ओसी कर दिया। वैक्यूम लेने के बाद ऑटोमेटिक प्लेट नीचे आएगा, इसको एज के लिए जितना इसको चाहिए ना इतना प्लेट नीचे आएगा, पूरा प्लेट नीचे आएगा नहीं। और ये अभी 35 सेकंड रखा है, इसमें भी एज में भी 35 सेकंड रखा था, ये हो गया अभी, और अभी ये खुल जाएगा। ये खोल दिया, और ये प्लेट निकाल दिया बाद में बाहर। ये मशीन का आपको मैंने पूरा सेटअप बना दिया, बता दिया है कैसे करना है, बबल का टाइम कितना है, और लेमिनेटिंग का टाइम कितना रखा है, और कैसे रखना है प्लेट, इसमें एज और नॉर्मल दोनों सपोर्टिंग है। और पूरा वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको पूरा समझाएंगे कैसे यूज करना है ये प्रोडक्ट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।